नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आपको अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि कल हम लोग लेकर उपस्थित थे, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे, जो क्लास 10th और 9th के लिए भी अहम भूमिका निभाएगा और जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। कल कुछ चीजें छुटी हुई थी, उसे जानने का प्रयास करते हैं, जो इस प्रकार है। देखिएगा, कुछ ये मैप है, मैप दिया हुआ है और जिसे भारत का भौतिक स्वरूप जानेंगे। अर्थात ये भारत है, इसकी भौतिक मतलब इसकी भौतिक बनावट कैसी है, इसके जो चारों तरफ की क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। जैसे इधर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि हिमालय, हिमालय का क्षेत्र अर्थात ये वाला क्षेत्र है, ये आपका हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। अब उत्तर का विशाल मैदान, ये देखिएगा, ये वाला क्षेत्र जो है उत्तर का विशाल मैदान है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का ये क्षेत्र जो है ये हिमालय वाला क्षेत्र है। क्या है? ये हिमालय अर्थात पर्वतीय का क्षेत्र है। पर्वतीय या जम्मू कश्मीर से लेकर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश तक का ये हिमालय का क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे पर्वतीय क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। अभी इसको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद भारत का विशाल मैदान, ये जो देखेगा भारत का विशाल मैदान अर्थात जो है हिमालय से दक्षिण और गंगा ब्रह्मपुत्र अर्थात जिसे या कह लें प्रायद्वीप के उत्तर में जो हिमालय का विस्तृत भाग है उसी को उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं अगला जो है भारत का मरुस्थली क्षेत्र, ये देखिएगा, ये भारत का मरुस्थली क्षेत्र है अर्थात ये भारत का जिसे अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, जो आपका प्रायद्वीप भारत के पश्चिम से और उत्तर दिशा में स्थित है। जिस क्षेत्र में राजस्थान वाला क्षेत्र है वो मरुस्थली क्षेत्र है, या पश्चिमी पश्चिमी प्रायद्वीपी जो सटा हुआ भाग है वो मरुस्थली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं तटीय मैदान, ये देखिएगा, ये आपका बंगाल की खाड़ी से लेकर आपका कन्याकुमारी तक और कच्छ की खाड़ी से लेकर ये केरल के अर्थात तमिलनाडु क्षेत्र तक, ये कौन सा क्षेत्र आता है, भारत का तटीय मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आते हैं द्वीप समूह, किसे कहते हैं? जैसे अगली इसके पहले वीडियो हम बताए थे कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर आपका अरब सागर तक, जहाँ कोकड़ अर्थात ये वाला क्षेत्र देखेगा, कोकड़ केरल केरल के ऊपरी भाग से है वो दक्षिणी और पश्चिमी वाला क्षेत्र जो है वो ये आपका जो मुंबई वाला क्षेत्र से लेकर आपका कच्छ की खाड़ी से लेकर जो क्षेत्र है ये आपके अरब वाला क्षेत्र है। यही आपका क्या कहलाता है, भारत का द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, जो आपका इस प्रकार है। देखिएगा, जैसे ये हिमालय, हिमालय पर्वत अर्थात ये हिमालय पर्वत जो होता है वो हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में स्थित है। देखिएगा, ये पश्चिम से पूर्व दिशा अर्थात जो है ये पश्चिमी वाला क्षेत्र है, पश्चिमी ये पूर्व दिशा पूर्वी भाग, तो कहेंगे हिमालय जो है वो आपका पश्चिमी से पूर्व दिशा में सिंध नदी अर्थात यहां से ये वाला क्षेत्र देखिएगा, ये सिंध नदी से ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, फैला हुआ या विश्व की सर्वाधिक पर्वत श्रेणियां है, या विश्व की सर्वाधिक पर्वत श्रेणियां है जो आपका 2400, ठीक है, अर्थात 2400 किलोमीटर में फैली हुई है, जो ये 2400 किलोमीटर में ये आपका पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई जो होती है, ये चौड़ाई जो है
ये यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है हिमालय पर्वत क्षेत्र का 400 किलोमीटर से, अर्थात जो अरुणाचल प्रदेश में है। अर्थात देखिएगा, जो हिमालय अर्थात ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो होता है ये आपका 400 किलोमीटर में फैला हुआ है, और 150 किलोमीटर जो आपका 150 किलोमीटर जो आपका अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है, ये आपका पर्वतीय क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद सिंधु तथा सतलज के बीच, अर्थात यहाँ पर देखिएगा सिंधु यही से एक सतलज नदी, सतलज नदी है, और सिंध नदी की जो भाग है वो कौन सा भाग, उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिएगा सतलज भी पंजाब हिमालय फैला हुआ है, इसके नीचे शिवलग श्रेणियां है। अब इसी से यहाँ पर देखिएगा यहीं पर इसकी एक शिवालिक श्रेणियां है जो आपका 10 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इसी श्रेणी को जो होता है या इसी को नवीनतम पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और जो 10 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब आते हैं ये आपका उत्तर का विशाल मैदान। देखेगा यही भाग जो उत्तर का विशाल मैदान है, तो आप कहेंगे इस मैदान का निर्माण प्रमुख तीन नदियों से हुआ है। वो तीन नदियां कौन सी हैं? पहला है सिंध नदी, ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात गंगा, या इसे कह लें सिंध नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां से इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी हैं। इसकी अगर देखा जाए प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे यहां से निकलती हुई ये इधर से क्षेत्र से प्रायद्वीपी भारत से, अर्थात जो प्रायद्वीपी पठार से निकली हुई कुछ नदियां हैं जो यहाँ से आती है यमुनोत्री से, जैसे चेनाब हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, जो आपके जाके गंगा नदी में मिलती है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और यही उत्तर का विशाल मैदान, जैसे बेतवा हो गया दक्षिण से तथा पश्चिमी नदी यमुना नदी, नेपाल में काली, कड़काली, कोसी आदि मैदान मैदान का निर्माण करती हैं, जो 7,500 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? जो उत्तर का विशाल मैदान और फैला हुआ है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, जिसकी जो लंबाई उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई जो होती है वो 2400 किलोमीटर है, जिसमें इसकी चौड़ाई जो होती है वो आपका 240 से लेकर 220 मीटर अर्थात तक फैला हुआ है। तो इसके भौतिक लक्षणों के आधार पर देखें, अगर देखा जाए जो भारत का जो भौतिक लक्षण के आधार पर देखा जाए तो इसे विभिन्न खंडों में अर्थात विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे कहते हैं आपका भागर, यहाँ पर देखिएगा भावर प्रदेश जिसे भावर प्रदेश कहते हैं, इसके बाद तराई वाला क्षेत्र बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, दूसरा जो है अगर इसको तराई वाला क्षेत्र भी कहते हैं और इसके बाद बागर का क्षेत्र भी कहते हैं। तो गाइस आप देखेगा यहाँ पर थोड़ा बच्चे जाने का प्रयास करेंगे कि भावर क्षेत्र क्या होता है। जैसे भावर क्षेत्र जो है, अगर हिमालय से जो नदियां चलती हैं, कहाँ पर चलती हैं, पर्वती वाले क्षेत्र में जो नदियां चलती हैं, तो वो कहीं लुप्त होकर एक दलदली भागों में क्या करती है, निक्षेपण के रूप में विलुप्त हो जाती है। जैसे देखिएगा हिमालय से उतरते समय नदियां मैदानों क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर ले जाती हैं, जैसे अगर हिमालय से जो नदियां उतरेंगी जो है वो आपका जो है किधर जाएंगे, पूर्व दिशा ओर जाएंगी, तो कंकड़ पत्थर इत्यादि लेके जाएंगे, तो वो जब पर्वतीय क्षेत्र में प्रभावित होती है तो वहीं पर लुप्त हो जाती है। तो वहां क्या करती है, लुप्त होकर जो है वहां क्या करती है, निक्षेपण का कार्य करती है, और जब ये लुप्त हो जाती है तो निक्षेपण जैसे निर्माण कर देती है, निक्षेपण का निर्माण करती है, इसी किस नाम से जाना जाता है, भावर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नदियां जाकर क्या करती है, पर्वतीय क्षेत्र विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है, इसी क्षेत्र को भावर का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे जानते तराई वाला क्षेत्र, अर्थात ये भाग जब नदियां जाती तो तराई वाले क्षेत्र में जाकर जो होती है ये नदियां, जब नदियां भावर से निकल कर पुनः सत पे आती है, तो जब नदियां तराई भाग में जाकर जो है फिर सतह पे आती हैं, तो सतह पर क्या करती है, दलदल का निर्माण कर देती हैं।
इसी निर्माण करते इसी भाग को क्या कहते हैं, तराई का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिएगा, आते हैं बागर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं। पुरानी मिट्टियों को ही क्या कहा देते हैं, देखिएगा ऊंचाई भूमि पर, जो ऊंचाई है ऊंचाई भूमि पर फैली हुई पुरानी मिट्टियों को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, बागर के नाम से जाने जाते हैं। जो पुरानी मिट्टियां ऊंचाई पर जो फैली हुई है, जहां पर बाढ़ कई वर्षों तक नहीं जाती है, और वो क्षेत्र क्या कहलाता है, भावर बागर का नाम से जाना जाता है। था ते कहेंगे बागर किसे कहते हैं, तो आप कहें पुरानी मिट्टियों को बागर के नाम से जाना जाता है, या पुरानी मिट्टी का को ही बागर के नाम से जाना जाता है, तो पुरानी मिट्टी को ही बागर कहते हैं। अब खादर किसे कहते हैं, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी से जिस भाग का निर्माण होता, जिस मैदान का निर्माण होता, उसे खादर कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि खादर क्या हो, नवीन जड़ों अवसादों से बने बाढ़ के मैदान को खादर कहते हैं। नवीन जल युक्त अवसाद के द्वारा जिस भाग का निर्माण होता, जिस मिट्टी का निर्माण होता है, जिस क्षेत्र में मिट्टी का निर्मित होती है, क्षेत्र का निर्माण करती है, उसे खादर के नाम से जाना जाता है। आगे जानते हैं आपका, ये तो हो गया। अब आते हैं मरुस्थल क्षेत्र जो होता, इसको जानते हैं कि अब ये तो हो गया मैदानी क्षेत्र। अब भारत का प्रायद्वीपी भाग, तो यहाँ पर देखिएगा भारत का प्रायद्वीपी भाग, ये देखिएगा यही आपका है, यहां से जो कर्क रेखा का क्षेत्र है, ये देखिएगा ये कर्क क्षेत्र है। कर्क रेखा का क्षेत्र जो होता है ये आपका, ये यहां से ये, तो इधर का जो फैला हुआ, अर्थात भारत कैसा है, भारत चतुष्कोणीय आकार का है। अगर दक्षिणी भाग देखे, कर्क रेखा से दक्षिणी भाग, अर्थात ये वाला बेल्ट जो है, ये वाला बेल्ट और ये वाला बेल्ट, तो दक्षिणी भाग जो है वो त्रिभुजाकार का है। कैसा है, भारत का जो दक्षिणी का आकार जो है वो त्रिभुजा आकार का है। तो कहते हैं या एक त्रिभुजाकार का, लेकिन यह क्षेत्र कैसा दिखता है, मेज के आकार का दिखता है। क्या कहेंगे, भारत का जो है प्रायद्वीपी भारत मेज के आकार का फैला हुआ है, मेज के आकार का है जो प्रायद्वीप, लेकिन किस शैलों से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे अग्नेय और रूपांतरित शैल से मिलकर बना है। किसे, अग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है, या गोंडवाना लैंड अर्थात गोंडवाना भाग के टूटने से आपके प्रायद्वीपी भाग का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड जो होता है, नीचे वाला भाग जो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, इसी भाग से टूटने से प्रायद्वीप भारत का निर्माण हुआ, जिसमें अगर देश की बात कह जाए तो भारत हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी देशों का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। अब आते हैं उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, अर्थात ये देखिएगा यही क्षेत्र जो होता है, ये उच्च वाला भूमि है, ये यहाँ पर देखिएगा ये आपका दक्कन का पठार है, और ये वाला क्षेत्र ये दक्कन का, देखिएगा दक्कन का पठार, और इसके बाद ये छोटा नागपुर का पठार है, लेकिन ये दक्कन का पठार हो गया, मालाबार सतपुड़ा पर्वत हो गया, जैसे दक्कन का पठार मालाबार तट का अर्थात मालाबार, इसके बाद सतपुड़ा पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां यहाँ पर आती है, इसके बाद से जुड़ा पश्चिमी भाग अगर देखा जाए, ये वाला क्षेत्र जो ये जो है, ये प्रायद्वीपी भाग से पश्चिमी वाला क्षेत्र ये जो है, ये अरावली वाला क्षेत्र है, तो अरावली वाला क्षेत्र जो पश्चिमी भाग जो 900 से लेकर 1600 भाग तक ऊंचा है। अगर ये कहा जाए जो आपका ये पूर्वी भाग है, ये केवल क्या है 600 जो है मीटर, अर्थात 600 मीटर ऊंचा है। अगर देखा जाए पश्चिमी भाग जो होता है भारत का, वो 1600 मीटर की ऊंचाई पर, अगर ये भी कह दिया जाए जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट से 1600 अर्थात क्या है कुछ अधिक ऊंचा है। कितना ऊंचा है, क्योंकि पूर्वी घाट की ऊंचाई जो होती है वो 600 मीटर है,
और पश्चिमी घाट की ऊंचाई 1600 किलोमीटर की है। अब आते हैं, थोड़ा जानते हैं ये प्राय अर्थात क्या है मरुस्थली, भारत का मरुस्थली क्षेत्र। देखिएगा, भारत का मरुस्थली क्षेत्र जो है प्रायद्वीप के भाग से आपको पश्चिमी वाला भाग जो ये वाला आता है जिसे मरुस्थली भाग के नाम से जाना जाता है, ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर वर्षा क्या करती है 150 से सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर जो होती है शुष्क प्रदेश या उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो कांटे कटीली झाड़ियां उत्पन्न होती हैं और आर्द्रता कम पाई जाती है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी विशेषता है, एक नदी का नाम है जो लूनी नदी है, यहाँ पर संचार अर्थात प्रभावित होती है, जो आपके अरावली क्षेत्र में होती है अर्थात जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में। यहाँ सीमेंट इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, लेकिन फसलें जो है कृषि कार्य बहुत कम मात्रा में किए जाते हैं। अब आगे देखिएगा, अभी तो हो गया आपके प्रायद्वीपी भाग मैदान हो गया, तटीय मैदान जानते हैं। देखिएगा ये वाला क्षेत्र, तटीय वाला क्षेत्र जो जो बंगाल की खाड़ी से लेकर जो होते हैं, देखिएगा उत्तरी सरकार से यहां से आती है, उत्तरी सरकार अब यहां से आती है, जैसे महानदी हो गई, ठीक है, यहाँ गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, ये सभी नदियां क्या करती है, इससे आज आपके मालाबार तट हो गया, कोकण हो गया, ये मुंबई तक अर्थात कच्छ तक जो फैला हुआ क्षेत्र होता है उसी को भारत के तटीय के मैदान के नाम से जाना जाता है। जो ये विभिन्न प्रकार की नदियों द्वारा यहाँ पर सिंचाई इत्यादि कार्य किए जाते हैं, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी नदी हो गई, ये नदियां जो होती हैं आपके तटीय मैदान का क्षेत्र का निर्माण करती है। अब आते हैं, देखेगा तटीय मैदान क्षेत्र हो गया, अब आते हैं द्वीप समूह किसे कहते हैं, अर्थात देखेगा द्वीप समूह होता है जो केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। अर्थात देखिएगा ये आपका ये केरल वाला क्षेत्र है, ये कर्नाटक वाला है, ये कोकण वाला क्षेत्र है। अब यहाँ से देखिएगा ये तमिलनाडु अर्थात केरल का क्षेत्र, देखिएगा केरल के मालाबार, यहाँ देखिएगा मालाबार है, मालाबार तट है यहाँ, तो केरल से ये केरल भाग है, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप है। यही देखिएगा ये वाला क्षेत्र जो होता है ये लक्ष वाला द्वीप है, लक्ष द्वीप है, ये लक्षद्वीप है। तो ये लक्षद्वीप से होकर क्या करा, लक्षद्वीप स्थित है, ज्ञात की जाती है इससे जो लक्षद्वीप है उसे लाकाद्वीप या मिनिकाय द्वीप या एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है, लंका द्वीप, मेनिकाय और आपका एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो भारत सरकार द्वारा अर्थात जो है इसे जाना जाता है, जो 1973 में इसे जो होता है आपके 1973, देखिएगा 1973 में अर्थात मेनिकाय द्वीप को या मेनिकाय या लक्षद्वीप को नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। अब इस लक्षद्वीप को जो है, जो आपका लक्षद्वीप है यहाँ पर जो है, जो पश्चिमी और दक्षिणी भाग में जो 32 किलो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो गाइस आज हमारा ये यहाँ तक टॉपिक ये था जो आपका भारत का भौतिक स्वरूप था, ये आप थोड़ा संक्षिप्त में हम जानने का प्रयास करिए, आज ये समाप्त हुआ। अब अगला जो है हमारा लेसन रहेगा और ये आपका रहेगा अपवाह किसे कहते हैं, अगला लेसन रहेगा अपवाह, अपवाह तंत्र क्या होता है इसे जानने का प्रयास करें, ये लेसन आपका थर्ड है। थैंक्स गाइस, ऑल द बेस्ट।